बढ़ती महंगाई के प्रभाव से दीपावली के बाजार की रौनक कम दिखाई दे रही है। इसकी वजह से समाज के सामने आर्थिक मंदी की तंगी होने का कारण है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और गरीब आदमी के हाथ से दिवाली मनाने का अवसर निकल गया। आखिर दिए में तेल कहां से भरे? प्रतिवर्ष अनुसार आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि इस वर्ष हम लोग दुकानों की जो राशि है वह देने में असमर्थ हैं, क्योंकि पूरा बाजार जाम हो गया है और इतनी बड़ी आर्थिक तंगी कभी सामने नहीं आई है। यह स्थिति पटाखा मार्केट की ही नहीं बल्कि आम मार्केट की है, इसलिए यह सारी घटनाओं से व्यापारी गुजर रहे हैं। इस कारण पटाखा मार्केट के लोगों ने अनुज्ञप्ति राशि को कम करने की मांग की है और सभी व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि तहसीलदार महोदय हमारी विनती पर ध्यान दें और हमको सहयोग प्रदान करें। आज पटाखे मार्केट के व्यापारियों द्वारा तहसीलदार को किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? पटाखा मार्केट की स्थिति दयनीय कगार पर पहुंच चुकी है। किसान और मजदूर वर्ग के पास इस समय पैसा नहीं है, इस चीज़ का अभाव है। इस कारण से मार्केट में किसी प्रकार की रौनक नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है खाली पड़ा हुआ है। तो इस विषय को लेकर हमने अनुविभागीय अधिकारी को मार्केट के सभी दुकानदारों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि जो नीलामी राशि पूर्व निर्धारित की गई थी या जिस पे नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाई गई उसमें संशोधन या हो सके तो उसे माफ़ कर दिए जाए, जिससे प्रशासन और आम नागरिक और व्यापारी सभी में एक सामंजस्य की स्थिति बनी रहे। क्या मांग को लेकर आप व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है कि जो नीलामी की राशि है वो प्रशासन द्वारा माफ़ की जाए और व्यापारियों की दैनिक दशा देखी जाए। सर, आज सिलवानी फटाका मार्केट के व्यापारियों द्वारा जो आपको ज्ञापन दिया गया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्यापारियों ने कुछ ये समस्या उठाई है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है विक्रय जो है कम हो रहा है। जो नीलामी की गई है नगर पालिका के द्वारा वो उतनी राशि निकल नहीं पा रही है, इसलिए उस पर विचार करने के लिए इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं अपन उनसे बात करके उचित जो भी होगा वो अपन। सिलवानी से आशीष सैनी की रिपोर्ट।